हेलो भाई, वो मैं वंश त्यागी। भाई फाइनली आज मेरे सामने खड़ी है न्यू हुंडई क्रेटा, जो भाई आपको पता है रिसेंटली 2 से 3 पहले ही जब अपने इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। और भाई जब से ये गाड़ी आई है ना, इस गाड़ी ने आती मतलब है ना बिल्कुल तहलका समझ आ दिया है। मतलब इस गाड़ी की ना इतनी ज़्यादा बुकिंग होगी, लोग इस गाड़ी को इतना पसंद कर रहे हैं कि पूछो मत भाई। मतलब इतनी अच्छी खासी सेल इसकी हो रही है ना, सेल्टोस को भी भाई अपने बीट करे, जो इसकी कॉम्पिटिशन में एक लौती गाड़ी है जो इसकी भाई पेरेंट कंपनी की है, किया की जो आती है। भाई सेल्टोस से भी कहीं मामले में ना गाड़ी बहुत सही है, लुक्स वाइज भी और फीचर वाइज भी ना परफॉर्मेंस वाइज भी कहीं ना मामले बहुत ज़्यादा गाड़ी सही है अपनी। अगर बात करूँ मैं गाड़ी की चाबी की, तो गाड़ी की चाबी कुछ ऐसी मिलेगी आपको यहाँ पे ना, आपको सिंपल एक फ्लिप की मिलेगी लॉक अनलॉक और होल्ड बटन के साथ बूट ओपन करने के लिए। भाई इसी वाली चाबी ना सेम अपनी सभी इसमें बेस मॉडल वाली हुंडई में आ जाती है, जैसे अपनी वेन्यू ले लो और आप कोई सी ले लो अपनी ना, ओरा ले लो, i20 ले लो, सब में भाई सेम ही चाबी आती है। तो वही सेम चाबी आपको नई वाली क्रेटा में मिलेगी अगर आप ये एक्सपेरियंट लोगे। बात करता हूँ भाई गाड़ी के, सबसे पहली बात अपने हेडलैम्प्स की, भाई इस बार क्या चेंज हुआ है गाड़ी के हेडलैम्प सेटअप में। तो भाई सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ ना आपको, तो यहाँ पे जो नया पूरा असेंबली आ गया, जैसे ना ये अपनी पूरी आपको कनेक्टिंग DRL मिलेगी सामने की तरफ ये वाली पूरी ऐसे करके, और न्यू साइड से भाई ये सर बीच में क्रोम का पार्ट है और यहाँ से यूँ जाती है। और भाई और दिखाओ ना इंडिकेटर आप कुछ ऐसे मिलेंगे यहाँ पर, और नीचे आऊँगा तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका हेडलैम्प सेटअप जो मेन है। इसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा एक सिंगल हेलोजन वाला, और नीचे एक फॉग लैंप मिल जाएगा। यहाँ पे भाई आपको नॉर्मल अपने ये मिल जाएंगे वेंट्स थोड़े हवा को पास करने के लिए, मतलब कटिंग सी मिल जाएगी सारी, सारा ये प्लास्टिक का पार्ट है। ग्रिल दिखाओ तो भाई ग्रिल कुछ ऐसी मिलेगी, हल्का सा बीच में ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट, बाकी साइड में दिखाओ ना यहाँ पे हल्का सा सेटिन फिनिश मिल जाएगी। हुंडई का लोगो भी सेम आपको सी फिनिश मिलेगा ऐसे कुछ। भाई नंबर प्लेट यहाँ पे हाउसिंग आपको मिल जाएगी। वही बात अगर भाई अगर आप टॉप मॉडल लोगे ना, टॉप मॉडल में जो भाई ये वाली पट्टी है ना यहाँ पे लाइट आ जाएगी, दिखाओ ना जैसे पीछे अपना टॉप मॉडल खड़ा है वो उस वाली में दिख रहा होगा भाई आपको, जो यहाँ पे ना बीच में आपको लाइट मिल जाएगी। बट अगर आप ये वाली लोगे ना, इस वाली में आपको ये वाली लाइट नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिंपल क्रोम पार्ट मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत मिलेगा भाई। टायर साइज की तो इसमें आपको मिल जाएंगे सिंपल से अपने R16 16 इंच के आपको ऐसे अपने मिलेंगे स्टील व्हील, जिसमें भाई ब्लैक पार्ट आपको मिलेगा अंदर से, और अपना व्हील कैप लगवाने के लिए आपको मिल जाएगा अपोलो के टायर मिलेंगे भाई। इसमें आपको ऐसे कुछ प्रोफाइल है सही है, बाकी अंदर से दिख जाएगा भाई आपको सारा सेटअप। और भाई टायर के ऊपर आपको बड़ी सी क्लैडिंग मिल जाएगी यूँ करके, तो भाई पुरानी क्रेटा में भी सेम अपनी आती थी। और इंडिकेटर बताऊँ तो भाई आपको यहाँ ORM पे नहीं मिलेंगे, साइड में आपको फेंडर मिलेंगे यहाँ पर। भाई गाड़ी के रियर प्रोफाइल के जो भाई सबसे ज़्यादा चेंज यहाँ पे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में हुआ है, जैसे भाई पहले ही वाली क्रेटा में क्या था ना, यहाँ पे ना ऐसा पूरा ऐसे थोड़ा पार्ट है ना ये वाला ऐसा था इंक्लाइंड था थोड़ा सा, और यहाँ पे ना लाइट पूरी साइड में से आती थी। तो भाई वो पर्सनली मेरे को भी ना वो डिज़ाइन अच्छा लगता नहीं था, मतलब बहुत लोग कहते थे भाई क्या बेकार सी लाइट्स हैं, मज़ा नहीं आया लाइट्स में। बट ये वाली क्रेटा अगर आप में देखोगे ना नई वाली में क्या क्या चेंज हुआ है, तो भाई यहाँ पे ना काफ़ी सही कर दिया इस बार ना, तो कनेक्टिंग टेल लैंप आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा यूँ करके ऐसे पूरा सारा भाई कनेक्टिंग आपको मिल जाएगा। ये भाई अपना बीच में ग्लॉस पैनल की फिनिश मिलेगी आपको, प्लस जो भाई इंडिकेटर आपको ऐसे कुछ मिलेंगे, और यहाँ पे अपना ये जो है अपना ये टेल लैंप है, नीचे की तरफ आऊँगा तो भाई यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। बाकी पार्किंग सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, एक इस साइड और एक उस साइड मिलेगा, और बाकी भाई सारा ये अपना प्लास्टिक का पार्ट है। प्लस अगर आप रिवर्स अपना रिवर्स में लगाते हो गाड़ी को, तो भाई यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा रिवर्स लैंप इधर की तरफ, ताकि मतलब इस बार ना अलग शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा। रिवर्स लैंप भाई आपको ना यहाँ नहीं मिलेगा, रिवर्स लैंप मिलेगा आपको बीच में छोटा सा एक, पहले आता था ना जैसे यहाँ पे दोनों साइड मिलता था भाई, वहाँ नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा भाई आपको यहाँ पर रिवर्स लैंप में करके दिखाऊँ भाई कैसे कुछ जलता है। यहाँ पे सिंपल सा मिलेगा नीचे पट्टी से करता हूँ भाई गाड़ी के बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन मिल जाएगा हुंडई के लोगों के नीचे, इसको प्रेस करके ना इसे गाड़ी के ऊपर मैं अनलॉक कर लूँ, यहाँ से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हो भाई। ये भाई नए वाले क्रेटा की बूट स्पेस जो कि भाई अराउंड आपको मिल जाएगी डिस्प्ले पर शोर होगी 43 लीटर्स, तो भाई पुरानी वाली मानती थी और ऐसे कुछ है। और बाकी भाई अगर आपको स्पेयर व्हील एक्सेस करना है, तो यहाँ पे नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा स्टील रिम में, और सेम साइज़ का मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और काफ़ी सही भाई इसमें अगर प्लेसमेंट हो रखी है, एक बार मैं इसको ऐसे भाई पूरा पैक हो जाएगा, साथ में आपको अपने टूल का सेट यहाँ मिल जाएगा। और भाई काफ़ी सही बूट स्पेस है ना, काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस इधर मिल जाएगी, थोड़ी बहुत इधर मिल जाएगी आपको, और भाई पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हैंडल आपको ऊपर मिल जाता है अपना बूट गेट बंद करने के लिए। यहाँ भाई आपको इस बार थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट मिलेगा, क्लैडिंग से हल्की सी मिलेगी, और यहाँ पे 2 लाइट मिल जाएगी आपको ऊपर की तरफ। तो भाई ऐसा है भाई यहाँ पर हिसाब। बात करता हूँ मैं गाड़ी के इंटीरियर की जाके, ये भाई अपनी नई वाले क्रेटा का इंटीरियर भाई काफ़ी चेंज कर दिया ना पुराने वाले से, भाई बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ पे दिखाऊँ सर बात करूँ, स्टेयरिंग मिला आपको सिंपल अपना वही पुराने वाला मिलता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ना फिनिशिंग में हल्का सा कराया इम्प्रूवमेंट। बाकी भाई जो बीच का अपना कंसोल है ना दिखाओ ना आपको सारा भाई दिख जाएगा, जैसे दिखाओ ना भाई अगर आप EX वेरिएंट लोगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे दिखाओ सबसे चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे स्टीरियो नहीं मिलेगा, स्टीरियो भाई लगाना पड़ेगा आपको कंपनी से, अपना सीरीज में लगवा लो तो आफ्टर मार्केट लगवा लो, वो थोड़ा सा दुख है हल्का सा भाई। बाकी भाई इस साइड आऊँगा तो यहाँ पे भाई आपको ये ना बीच में लंबे लंबे सीमेंट मिल जाएंगे, जैसे ना सेल्टोस में भी इस टाइप के आते हैं,
साइड में आपको मिल जाएगा भाई। और भाई जो डैशबोर्ड है ना आपको भाई काफ़ी बिल्ड सही बिल्ड क्वालिटी का मिलेगा। देखो ना काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है, पुराने वाले में ना थोड़ा सा आता था ऐसा इंक्लाइन था थोड़ा सा, बट इस वाले में भाई बिल्कुल अलग सा कर दिया। ये देखोगे ना मतलब भाई करा है काम, तो भाई बिल्ड क्वालिटी में तो बहुत सही काम करा है, पुराने वाले से तो बहुत सही, पुराने वाले को मिले तो भाई 3 स्टार रेटिंग, बट इस वाले में देखते हैं। और बाकी भाई ये देखो यहाँ पे ना देखा होता है भाई, यहाँ देखो ध्यान से, तो आपको एक कॉपर की फिनिश मिल जाएगी थोड़ी सी, यूँ भाई कॉपर पूरा एक करके ऐसे आ रहा है। तो भाई छोटे छोटे चेंज है भाई गाड़ी के अंदर। बाकी भाई दिखाऊँ तो मेरे सामने है ये मैनुअल में ट्रांसमिशन में आती, जो कि अपनी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है भाई। अगर आप वैसे अगर है ना IMT जो ऑप्शन है जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें आपको क्लच नहीं मिलेगा, बट आपको मैनुअल वाला सिस्टम मिलता है ना, वो भाई सेल्टोस में आता है। बट अब क्या हुआ भाई, जब से क्रेटा लॉन्च हुई ना तो भाई किया वाला ने सोचा कि अब तो भाई मैनुअल चाहिए, क्योंकि क्रेटा में ना IMT वाला ऑप्शन नहीं आता, इसमें भाई आपको ना ये अपना ये वाला मिल जाएगा मैनुअल नॉर्मल वाला, और सेल्टोस में नहीं, सेल्टोस में सिर्फ IMT आता, उसमें मैनुअल नहीं मिलता। तो भाई इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप सेल्टोस वाला मतलब किए वालों ने सेल्टोस का MT वाला मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया था, अभी लॉन्च हो भाई एक दिन पहले ही 12 लाख रुपए का प्राइस शुरू कर दिया है। तो देख लो भाई इनकी मतलब चालू बनती, देख लो कि सेल को फ़र्क ना पड़े तो भाई जल्दी से लॉन्च कर दो। बाकी भाई ये था AC कंट्रोल्स, भाई सिंपल से बेसिक मिलता है आपको ना, पे अपने मिल जाएंगे फैंस भी एडजस्ट करने के लिए, और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना ये फ्लो एडजस्ट करने के, टेम्परेचर, ये अपना बीच में इंडिकेटर मिल जाएंगे दोनों आपको। सनरूफ वाइस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, पीछे आपको लाइट जरूर मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिंपल। IRM दिखाओ तो भाई आपको मिलेगा अपना मैनुअल एडजस्टेबल वाइजर भाई आपको सिंपल मिलेंगे, उस साइड आपको शीशा मिल जाएगा छोटा सा एक, और बीच में आपको तो यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलेंगे प्लस एक हैंड ब्रेक तो भाई मैनुअल मिलेगा, और साथ में आपको एक आर्मरेस्ट के साथ ग्लव बॉक्स थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी हल्की फुल्की, और आर्मरेस्ट भाई स्टाइल स्लाइडेबल नहीं है, सिंपल आपको मिलता है। बात करूँ नीचे के साइड जाकर तो भाई यहाँ पे आपको दिखाओ ना, तो एक बार मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करूँ, यहाँ भाई आपको मिलेगा एक 12 वाट का 120 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर, और भाई यहाँ पे मिल जाएगा एक लाइटनिंग वाला चार्जिंग केबल, ठीक है। वैसे एक बार भाई गाड़ी के इग्निशन को ऑन कर दिखा दो भाई कैसे मीटर मीटर यहाँ पर चाबी भाई आपको मैनुअल लगानी पड़ेगी यहाँ पर ऐसे करके, ये भाई साहब यहाँ पर जो भाई जो इसका नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आया ना, ये सेम पता भाई आपको अपनी जो है वेन्यू में ओरा में सेम में भाई इन सब में ऐसे ही आता है। और भाई जैसे दिखा देगा ना सारे आप कंट्रोल दिखा देगा, जैसे ना यहाँ पे जाऊँगा तो मैं ऑटो स्टॉप टाइम सिंस लास्ट अपना दिखा देगा, एवरेज कितने कुछ गाड़ी में दिखा रही है अभी 6.3 KMPL की दिखा रही है, क्योंकि गाड़ी बस ऑब्वियसली शोरूम में खड़ी है, और दिखा देगा सारे आपको फीचर्स दिखा देगा। और इस साइड में दिखाऊँ तो यहाँ पे भाई आपको प्लेन मिलेगा, यहाँ पे ये टॉप पर में जाओ तो सारे फीचर मिल जाते हैं, इस वाले में नहीं मिलते। और बाकी भाई अपना कुछ इन्फो के मिल जाएंगे आपको, साइड ड्राइवर असिस्टेंट आप सारा कर सकते हो चेंज यहाँ से, लाइट वेट कैसी कुछ चाहिए आपको, और गाड़ी स्टार्ट नहीं करूँगा भाई क्योंकि तेल नहीं स्टार्ट नहीं होगी बिना बात के। तो भाई ऐसा कुछ हिसाब है भाई। अब गाड़ी में स्टीरिंग है तो मैं स्टीरिंग दिखा देता हूँ, साउंड वो भाई टॉप मॉडल में वाली वीडियो में जो आएगी उसमें देखना कि कैसे कुछ साउंड आउटपुट मिलता है आपको। बाकी भाई ये थे डोर कंट्रोल, दिखाना भूल गया आपको मैं, दरवाज़ा कुछ गाड़ी का ऐसे देखेगा आपको सिंपल सा, यहाँ पे चारों पावर विंडो मिलेगी लॉक अनलॉक के साथ, नॉर्मल सी है, 1 लीटर का बॉटल नीचे मिलेगा तो ठीक है वैसे ना। कहता हूँ गाड़ी का आपको इंजन भाई कैसा कुछ हो, तो ये भाई मेरे सामने क्रेटा का 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि भाई BHP की बात करूँ तो आराम से 113 BHP से लेकर 253 BHP समथिंग कुछ निकाल देती गाड़ी। बाकी भाई अगर मैं गलत फिगर बोलूँ डिस्प्ले पे शो रहूँगा आपको, और बाकी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है भाई आपको सारे ना, यहाँ पर पूरा पैक मिल जाएगा भाई। इंजन भी दिखाऊँ तो काफ़ी सही है, मतलब सेल्टो से कंपेरिजन में ना काफ़ी मतलब बड़ा सा मिल जाता है, और क्लीन भी है काफ़ी सही आपको मिल जाएगा पूरे यहाँ पे। बाकी भाई थोड़ी बहुत मेरे को ना देखो ये इधर दिखाऊँ तो यहाँ पे हल्की फुल्की ना वायरिंग देखो एक्सपोज दिख रही है हल्की सी ना, इधर देखो तो भाई लाइट वाइट के पूरे ऐसे ना, ये देखो भाई एक बार मतलब है ना कपड़े रपड़े भाई पूरे एक्सपोज छोड़ रखे, आराम से निकल सकते हैं हल्का फुल्का देखना चाहिए, पैकिंग वैकिंग हो जाए तो इनकी। और बाकी भाई काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी है बोनट की। तो ये थी भाई अपनी Hyundai Creta का EX मॉडल, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और बताना मेरे कमेंट सेक्शन में गाड़ी भाई कैसी लगी आपको, मतलब प्राइस बताओ ना। तो गाड़ी का प्राइस भाई अपना शुरू हो जाता है एक्स शोरूम 12,45,000 रुपये से, और भाई टॉप मॉडल की मतलब इसकी 23-24 लाख रुपये जा रही है, तो सब देखना भाई गाड़ी क्या वर्थ है कि नहीं तो बताना ज़रूर। और भाई वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक कर देना, और भाई सब्सक्राइबर बढ़वा जल्दी से, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा अच्छी अच्छी। मिलते हैं नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।